हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टा क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो स्टूडेंट, अपने जो टेंथ क्लास है, टेंथ क्लास का जो चैप्टर है, ये सारा सारा क्या है, एक्टिविटी बेस है। तो जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी से देखकर जो भी बातें पता चलेंगी उन सबको हम नोट करेंगे। उसके बाद नोट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, और भी कुछ फैक्ट्स बनेंगे उन सब के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये अपना जो आज का लेक्चर है बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको लास्ट तक देखें। और ये CBSE एग्जाम हो चाहे HBSE एग्जाम हो, दोनों में बहुत बार पेपर में आता भी है। तो उस लिहाज से ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है अपना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, हम करते हैं पहले एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, एक स्टैंड होता है। अपने पास क्या हुआ, एक स्टैंड, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कि स्टैंड पर एक स्टैंड होगा, ठीक है। इस स्टैंड पे हम क्या करेंगे, ये हम दो स्प्रिंग लगा देंगे, हम दो स्प्रिंग्स, ओके। और इन स्प्रिंग के साथ क्या करेंगे, अटैच करेंगे एक एल्यूमिनियम की रॉड, ठीक हो, एल्यूमिनियम रॉड, ओके, अटैच कर दी। इसको क्या करना है, इस एल्यूमिनियम की रॉड के साथ हमें एक बैटरी लगा देनी है ताकि इसमें हम क्या करें, करंट पास कर सके, और एक की लगा देंगे, ठीक है, ओके। बैटरी होगी, ये प्लस, ये माइनस, और यहां अपने पास ये क्या होगी, की, ठीक है। ये एल्यूमिनियम की रोड ऐसे रखी हुई है, इस एल्यूमिनियम की रोड को हम क्या करेंगे, एक यू टाइप ऐसा मैग्नेट होगा, यू टाइप, उसके बीच में ऐसे रख देंगे इसको, ठीक है, ऐसे रख देंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट दिखा देंगे, ये अपने पास क्या हो गया, एक मैग्नेट हो गया यू टाइप ऐसे। ये मान लो मैग्नेट का क्या होगा, नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेट क्या होगा, साउथ पोल, ठीक है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट सेटअप कर दिया, ठीक है। तो हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो सारी बातें लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन, ठीक स्टूडेंट। तुम क्या देखते हैं, जब हमने कोई की क्लोज नहीं की तो इस ये जो एल्यूमिनियम की रोड है ये यहीं की रही, यहीं की, यहीं रही, ये कहीं पर भी नहीं गई, ठीक। हमने देखा फर्स्ट पॉइंट, व्हेन नो करंट पासिस थ्रू एल्यूमिनियम रोड then it stay at its position, ये अपने खुद की पोजिशन पर रही, ओके, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसके ऊपर। जैसे मैंने क्या किया, इस ईगो क्लोज किया, ठीक है, इस एल्यूमिनियम रोड में क्या हुआ, करंट पास हुआ, क्या हुआ, करंट पास हुआ, एज करंट passes through aluminium rod, ठीक है। जैसे इसमें करंट पास हुआ, हमने क्या देखा, ये जो एल्यूमिनियम की रोड है ये कहां मुंह पड़ गई, डाउनवर्ड्स, ये कहां जा रही है, डाउनवर्ड। हमने देखा कि जैसे करंट पास हुआ इसमें, ये कहां जा रही है, नीचे तरफ, ठीक है, इट मूव्स डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड चले गई। इसका मतलब इस पे क्या लगा है, फोर्स लगा है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, ओके, चलो। उसके बाद क्या किया, फिर हमने क्या कर दिया, करंट की सप्लाई बंद कर दी, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, आफ्टर दैट व्हेन नो करंट passes through the road,
है, हमने दोबारा क्या कर दिया, यहाँ से ई को ओपन कर दिया, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा तो ये नीचे चली गई थी, यहाँ से यहाँ आ गई थी, जैसे करंट की सप्लाई बंद करेंगे ये वापस चली जाएगी, वापस क्यों चली जाएगी कि ये जो स्प्रिंग है ये क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, खिंच जाएगी, ठीक है, खिंच गई, फोर्स लगने से क्या होगी, खिंच गई, जैसे ही फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, स्प्रिंग क्या करेंगे, इसको वापस ले आएंगे, ठीक है, देन एल्यूमिनियम रोड रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, जो इसकी पहले जो पोजिशन थी उस पर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को मान लो रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो हम क्या देखते हैं, पहले ये डाउनवर्ड जा रही थी, अब ये कहां जाएगी, अपवर्ड जाएगी, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इट मूव अपवर्ड्स, ये कहां मूव करेगी, अपवर्ड्स मूव करेगी, ठीक है। पहले कहां जा रही थी, करंट मान लो इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो कहां मूव की, नीचे की वाली साइड, अब ये करंट जा रहा हुआ इसमें इस साइड, तो ये कहां मूव करेगी, अपवर्ड्स, यानी करंट के डायरेक्शन चेंज करने पर इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ऑन इंटरचेंजिंग द पोल्स को भी हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, मान लो इस साइड क्या था नॉर्थ था, इस साइड क्या था साउथ था, इनको क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो भी हम क्या देखेंगे कि जो पहले जो फोर्स लग रहा था उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आल्सो रिवर्स, ठीक है। ये हमने क्या किया, सारी ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंड, ठीक है। अब ये जो हमने ऑब्जर्वेशन की है, ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, कंक्लूजन निकालेंगे, क्या निकला, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला, कि जब भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे मैनिफोल्ड में, उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। नंबर व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स, क्या लगेगा उस पर, मैग्नेटिक फोर्स, ओके स्टूडेंट, इतना हो गया, ठीक है। कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं उनके प्रोग्रेसिस करते हैं साथ में, तो देखिए स्टूडेंट, एक तो ये हो गया कि करेक्ट करिंग कंडक्टर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, ओके, ठीक है। ये जो फोर्स लगेगा इस फोर्स के डायरेक्शन पे क्या होगी डिपेंड करेगी, किन किन फैक्टर डिपेंड करेगी, हमने देखा कि भाई करंट का डायरेक्शन चेंज कर दी तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक पोल्स को चेंज कर देंगे आपस में, इंटरचेंज कर देंगे तो डायरेक्शन चेंज होगी मैग्नेटिक फोर्स की, इसका मतलब जो डायरेक्शन जो आएगी फोर्स की वो डिपेंड करेगी दो फैक्टर्स के ऊपर, एक डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर, दूसरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन, नंबर एक बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड डिपेंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एमएम मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके स्टूडेंट, इतना हो गया। अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम का मैं बता रहा हूं,
फ्रीडम का अपने पास यहाँ पर फिलहाल कोई काम नहीं है। ये अपने पास बात होगी। अब हम बात करते हैं कि जब हम देखते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जो फोर्स जो लगेगा वो फोर्स करंट के डायरेक्शन के और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के दोनों की क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, इतना, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ठीक है, हम बात करेंगे कि जो ये जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फैक्टर्स फैक्टर्स ऑन विच द डायरेक्शन द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड। तो देखिए स्टूडेंट, हम मान लेते हैं मेरे पास ये एक कंडक्टर है जिसमें आई करंट पास होके जा रहा है, ठीक है, आई करंट पास होके जा रहा होगा इस लाइन में, ठीक है। और मान लो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी मैग्नेटिक फील्ड होगी और करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो क्या है, एल लेंथ है। तो हम क्या देखते हैं कि जो फोर्स जो लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, फोर्स लगेगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो फोर्स जो लगेगा वो डिपेंड करेगा नंबर एक डायरेक्टली डिपेंड करेगा ऑन करंट, ठीक है, करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड दैट डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। तीसरा हम चेक करते हैं दैट डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर, और नंबर चार डायरेक्टली डिपेंड करेगा साइन थीटा के ऊपर। थीटा का एंगल क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या रहेगा, थीटा, तो वो साइन के साथ। तो अपने पास क्या बनेगा, फोर्स जो आएगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा करंट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, लेंथ के ऊपर, साइन थीटा के ऊपर। लिख देंगे आई बी एल साइन थीटा, एफ प्रोपोर्शनल, हटाएंगे के लगा देंगे कांस्टेंट, बी आई एल साइन थीटा, ये मेरे पास रहेगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रहेगी 1, ठीक है। तो फ्रेंड अपने पास जो आएगा मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फोर्स वैल्यू क्या बनेगी, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। तो ध्यान रखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर दैट विल बी बी आई एल साइन थीटा। ओके, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं कि जो फोर्स लगेगा बी आई एल साइन थीटा, ठीक है, क्या हमेशा लगेगा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब उसको मैग्नेटिक रखेंगे तो क्या हमेशा फोर्स लगेगा, ठीक है, हमेशा लगेगा तो कितना लगेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और फोर्स नहीं लग रहा। देखिए स्टूडेंट, हम कुछ केसेस पर बात करते हैं। मान लो ये अपने पास क्या है, करंट की डायरेक्शन है, और ये अपने पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन होंगे, ठीक है, केस क्या बन गया, डायरेक्शन ऑफ करंट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, थीटा कितना बनेगा, जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो। तो इस केस में फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, बी आई एल साइन जीरो, तो फोर्स कितना आएगा, जीरो। तो कुछ ऐसी कंडीशन भी आती है कि मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है और फोर्स नहीं लग रहा है। कब नहीं लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन होंगे। और ये वाला जो फोर्स अपने पास आएगा कैसा आएगा, मिनिमम। देख फ्रेंड, सेकंड केस क्या बनता है कि करंट इस साइड है और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, एंटी पैरेलल होंगे, तो
उस केस में एंटी पैरेलल वाले केस में एंगल बनेगा 180, और आप लोग ध्यान रखेंगे साइन 180 कितना होता है, जीरो होता है, तो फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, बी आई एल साइन 180, और साइन 180 कितना होता है, जीरो। तो ये वाला फोर्स भी क्या आ गया, मिनिमम आ गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे किन कंडीशंस के ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर जो मेटल में रखा हुआ है उस पर कब फोर्स नहीं लगेगा, या तो करंट का डायरेक्शन उसके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या उसके एंटी पैरेलल हो, इन दोनों केस में फोर्स कैसा लगेगा, जीरो आएगा। सेकंड हो गया, थर्ड की बात करते हैं। ये अपने पास क्या है, करंट, और ये अपने पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों आपस में क्या हो, 90 डिग्री के ऊपर डायरेक्शन हो दोनों की। तो साइन 90 हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। इस केस में फोर्स कितना देगा, बी आई एल साइन 90, जो कि साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया। तो फोर्स कितना आएगा, बी आई एल, और ये फोर्स कैसा आएगा, मैक्सिमम। तो मिनिमम फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो, और मैक्सिमम कितना रहेगा, बी आई एल, कितना रहेगा, बी आई एल। ओके स्टूडेंट, जब ये फोर्स मैक्सिमम आएगा, इस केस में इस मैक्सिमम फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हम यूज करते हैं स्टूडेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ध्यान रखेंगे हम अपने 10th क्लास में फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो कि अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए स्टूडेंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखिए स्टूडेंट क्या होता है। अपने पास ये लेफ्ट हैंड है, इसको इस तरह स्ट्रेच करना है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, और ये हो गया थंब। ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, फर्स्ट थिंग, ठीक है। यदि फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करता हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट करता हो डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उस केस में थंब जो आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो बोलेंगे स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इफ फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव फील्ड, सेकेंड फिंगर represent the direction of current, the direction of current, then thumb of left hand represent the direction of मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और स्टूडेंट ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपने लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आठ आज के अपने इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, और साथ में डिस्कस करेंगे कि ये हमने जो डिस्कस किया है ये क्या डिस्कस किया है, कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड लगेंगे। इसी प्रकार कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा वो भी जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा उस पर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो मैग्नेटिक फोर्स से वर्क कितना आएगा, जब वर्क होगा नहीं होगा, उस दौरान कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेंगी, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को अपना लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और देखते रहें अपने यूट्यूब चैनल बीटेक क्लासेस को। थैंक यू वेरी मच।